जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गिरीश कौशिक। स्वागत है आपके अपने चैनल सेक्रेट सोल्जर्स पर। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा हु कम बैक एवरी वीक टू लिसन लर्न एंड ग्रो विद मी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम बात करते हैं उन सभी टॉपिक्स पर जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में काम आने वाले हैं। लेकिन आज का टॉपिक लीक से थोड़ा हटकर है, और वो क्या है और क्यों जरूरी है, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। और अगर आज का वीडियो पसंद आए, जिसका मुझे पूरा विश्वास है, तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर और जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। द डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग इज नॉट टू क्विट। लूजर्स क्विट व्हेन दे आर टायर्ड, विनर्स क्विट व्हेन दे हैव वन। आई एम श्योर आप सभी ने ये कहावतें जरूर सुनी होंगी, और समाज ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि भैया टिके रहना ही सक्सेस की गारंटी है, जो हाइपोथेटिकली सही भी है। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूं वो इसके एकदम ऑपोजिट है। क्विटिंग इज फॉर विनर्स। जी हाँ दोस्तों, यू हर्ड इट राइट, क्विटिंग इज फॉर विनर्स। क्या आपने कभी इस चीज को प्रैक्टिस किया है या इसके बारे में कभी सुना है? नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कभी कभी क्विट करना भी जरूरी होता है, और कैसे आप इस हैबिट को अपनाकर अपने कैरेक्टर को बिल्डअप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्विटिंग और गिविंग अप दो ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन असल में इन दोनों के मीनिंग्स अलग अलग हैं। क्विटिंग मीन्स टू लीव समथिंग, किसी चीज को छोड़ देना। वही गिविंग अप का मतलब है सबमिशन या समर्पण, अब नहीं कर सकते भैया। कभी कभी लाइफ में हमें गिव अप भी करना पड़ता है जब हम ये समझ लेते हैं कि ये चीज लाइफ में हमारे लिए है ही नहीं। वहीं क्विट आप तब करते हैं जब आपको ये रियलाइज हो जाता है कि जो काम हम कर रहे हैं या जिस जॉब में हम हैं, ये वो नहीं है जो हम एक्चुअली करना चाहते थे। When you realize it is not for you, then only you quit. जब आप ये रियलाइज करने लगते हैं कि ये प्रोजेक्ट फेल होने वाला है, या ये जॉब मेरे लिए नहीं है, या फिर ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, या जिस हॉबी पर आप काम कर रहे हैं उसे आप अपना पैशन नहीं बना सकते, अगर आप तब क्विट करते हैं तो आप विनर हैं। क्विट या आई वॉन्ट टू क्विट, जब भी आप इस वर्ड के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आता है? असल में बचपन से लेकर आज तक हमें यही सिखाया गया है कि क्विटिंग इज नॉट गुड, क्विटिंग इज बैड, और क्विटिंग इज ओनली फॉर लूजर्स। और समाज में इस तरह की बहुत सी अवधारणाएं हैं, या मेरी लैंग्वेज में वो मिथ्स हैं जो लोगों ने फैला रखे हैं, जैसे कि क्विटिंग मीन्स यू हैव फेल्ड, क्विटिंग मीन्स यू आर नॉट क्लियर व्हाट यू वांट, आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है, क्विटिंग मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, अगर आप क्विटिंग के बारे में सोचते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्विटिंग मीन्स यू आर टेकिंग अ इजी वे आउट, आप आसान रास्ता ढूंढना चाहते हैं, क्विटिंग मीन्स यू लैक परसेवरेंस, मीन्स आपके अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है जो आपको टिके रहने पर मजबूर करे, एंड क्विटिंग मीन्स यू हैव वेस्टेड ऑल द टाइम मनी एंड एफर्ट, मतलब जो आज तक आपने टाइम पैसा और जो एफर्ट्स लगाए हैं वो सब वेस्ट कर दिए। और जब भी हम इस वर्ड के बारे में सोचते हैं या क्विट करने के बारे में किसी से बात करने के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला विचार यही आता है, यार लोग क्या कहेंगे, लोग हमें लूजर की तरह ट्रीट करने लगेंगे। और इसी वजह से, इस क्यू डरावने क्यू वर्ड की वजह से ही हम उस जगह पर टिके रहते हैं, या उसी जगह पर रहते हैं जहां एक्चुअली हमें नहीं रहना है, और जिसका सीधा असर हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर पड़ने लगता है। अगर हम क्विटिंग का ऑब्जेक्टिव मीनिंग देखें तो इसका सीधा सा मतलब है टू स्टॉप समथिंग और टू लेट गो व्हाट यू डोंट वांट टू डू। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं आते, हम उसे छोड़कर दूसरा काम करने लग जाते हैं, बस इतना ही है। क्विटिंग कोई इतना बड़ा तूफान नहीं है कि लोगों ने इतना हल्ला मचा रखा है। लाइफ में ऐसे बहुत से सिचुएशंस आए होंगे या आएंगे जब आप क्विटिंग के बारे में आपने सोचा होगा या सोचेंगे। कुछ एग्जांपल आपको देता हूं कि आप क्विटिंग के बारे में कब सोच सकते हैं। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, या आप किसी ऐसी हॉबी को फॉलो कर रहे हैं जो आपका पैशन नहीं है, या फिर आप किसी ऐसी जॉब में हैं जहां आप अपना बेस्ट पोटेंशियल या टैलेंट यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं
और उससे अच्छा काम अवेलेबल है जहां आप अपना बेस्ट पोटेंशियल यूज कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंट जॉब से अच्छा कर सकते हैं। अगर आप तब क्विटिंग के बारे में सोचते हैं तो एक्चुअली आप विनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड द वर्स्ट थिंग व्हाट वी ऑल डू इज स्टिक टू दैट जॉब एंड वी डोंट क्विट। यहां नॉट क्विटिंग का मतलब लूजिंग है। वो सो कॉल्ड परसिस्टेंट बनकर चिपके रहने के बजाय हमें एक ऐसी स्पेसिफिक हैबिट को प्रैक्टिस करना चाहिए जिसे मैं कॉन्शियस क्विटिंग कहता हूं। कॉन्शियस क्विटिंग का मतलब है अपनी सिचुएशन को असेस करना कि वो कितनी मीनिंगफुल है, कितना कंट्रीब्यूट कर रही है आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, और फिर आप ये डिसाइड करें कि आपको क्विट करना है या नहीं। चलिए अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूं, वो किसी और के नहीं, मैं अपनी लाइफ के एग्जांपल्स आपको दूंगा। जब मैंने कॉन्शियस क्विटिंग वाले डिसीजंस लिए, एक टाइम ऐसा था जब मैंने अपने इंजीनियरिंग वाले ड्रीम को छोड़कर इंडियन नेवी को ज्वाइन किया, और 15 साल नेवी में नौकरी करने के बाद कॉर्पोरेट सिक्योरिटी बोर्ड को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। और एक टाइम ऐसा भी आया जब मैंने अपनी वेल पेड सेटल जॉब को छोड़ दिया, वो भी तब जब मेरे हाथ में कोई जॉब ऑफर भी नहीं था। और इसके रीजंस एकदम सिंपल थे। सबसे पहले, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तान में इधर यू बिकम इंजीनियर और डॉक्टर और यू आर फेलियर। तो अपने इंजीनियरिंग वाले ड्रीम को मैंने इसलिए छोड़ा कि नेवी ज्वाइन करके मुझे देश सेवा करने का मौका मिल रहा था। फिर 15 साल नेवी में सर्विस करने के बाद एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन पर पहुंचकर भी नेवी में क्विट करने का डिसीजन लिया, क्योंकि स्टैग्नेशन वॉज नॉट माय चॉइस। और कॉर्पोरेट में एक वेल सेटल्ड वेल पेड जॉब को छोड़ा, क्योंकि 2 साल की मेहनत करने के बाद भी चीजें ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि हालात और भी बदतर हो रहे थे। अब मैं आपको यह नहीं कह रहा कि परसेवरेंस या स्टेइंग टिल एंड खराब आदतें हैं, नहीं, बल्कि मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लाइफ में ऐसे बहुत से सिचुएशंस आएंगी जब आपको अपनी सिचुएशन को असेस करके एक कॉन्शियस क्विटिंग वाला डिसीजन लेना पड़ेगा। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है और आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और मुझे ये जरूर बताएं कि आपने अपनी लाइफ में कभी कॉन्शियस क्विटिंग वाले डिसीजंस लिए हैं, या इन फ्यूचर भी आप इस वीडियो के किसी भी हिस्से को यूज करके अगर आप कॉन्शियस क्विटिंग वाले डिसीजंस को लेते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करें। आप अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में जाकर या मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर भी शेयर कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पर भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पेज। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग माय वीडियोस। दिस इज गिरीश कौशिक साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।